हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। मैं हूं मुकेश चौधरी, आपके लिए लेके आया हूं डुप्लेक्स वाला विला। लोकेशन के बारे में बात करेंगे, प्राइस के बारे में बात करेंगे, साथ साथ ही अपन डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले, आप अगर हमारे चैनल पर नए और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हम ऐसे ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, ताकि आपके पास जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन हमारी वीडियो का पहुंचता रहे। तो अगर पीछे की तरफ दिखाइए, कितना शानदार यहाँ पे जो है फ्रंट एलिवेशन दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बनाए हुए हैं। अपन इसका टूर करेंगे। साइज़ की अगर बात करें अपन, 16x35 के अंदर ये बने हुए, यानी कि टोटल 62 वर्ग गज में यहाँ पे बने हुए हैं। आइए कैमरामैन जी, अपन इसका एक बार टूर यहाँ पे कर लेते हैं। प्राइस वगैरह की बात और जो है बाकी अपन और बात अंदर कर लेते हैं। एक बार आइए कैमरामैन जी। यहाँ पे जैसे अपन एंटर होते हैं तो यहाँ पे एक स्पेस दिख जाता है, पार्किंग का स्पेस दिखाई, कितना खूबसूरत स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो वाटर टैंक का प्रोविजन यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। साथ साथ में अगर एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको आयरन के गेट देखने को मिल जाते हैं, जो बहुत ही मजबूत गेट यहाँ पे दिए गए हैं। साथ साथ में इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक स्पेस मिल जाता है छोटा सा, जो आपके कुछ सामान वगैरह यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, गमले वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा एक स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ अपन एंटर करते हैं, इससे पहले यहाँ पे अगर देखते हैं इधर की तरफ, एक बार कैमरा मैन दिखा दीजिए, यहाँ पे आपको विंडो देखने को मिल जाता है, ग्लास लगा के वुडन का काम यहाँ पे किया गया है। साथ साथ में अगर एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको लकड़ी के गेट मिल जाते हैं, जो दो पल्लों में यहाँ पे आपको दिखाई देने वाले। सनमाइका वगैरह का काम भी बहुत अच्छा है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंटर करते हैं, यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग एरिया दिख जाता है, जो कि खूबसूरत स्पेस यहाँ पे दिया गया है। साइज़ के हिसाब से बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इधर की तरफ अगर देखते हैं अपन तो यहाँ पे वॉलपेपर का काम दिखाई देता है, जो बहुत ही खूबसूरत डिसेंट वॉलपेपर का काम किया गया है। साथ साथ में यहाँ पे आपको एसी का पॉइंट भी देखने को मिल जाता है। एक बार कैमरामैन जी ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग दिखाइए, कितना प्यारा फॉल सीलिंग का काम किया गया है, बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग का काम मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे किया गया है। साथ साथ में अगर अपन देखते हैं इधर की तरफ तो यहाँ पे आपको इधर दिखाइए कैमरामैन जी, यहाँ पे आपको हैंड वॉश के लिए एक एरिया दिख जाता है, सिंक वगैरह यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है। साथ साथ में इधर की तरफ यहाँ पे वुडन लगा के इसको कवर किया गया है, जिसमें कि आप अपना कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। साथ साथ में इन्वर्टर वगैरह भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ डाइनिंग ड्राइंग से जुड़ी हुई चीज़ इधर की तरफ देखते हैं अपन तो यहाँ पे आपको किचन का स्पेस देखने को मिल जाता है, बहुत ही प्यारा किचन यहाँ पे डेवलप किया गया, बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे किचन का निकाला गया है। साथ साथ में इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे विंडो देखने को मिल जाता है, जो आपको सफोकेशन ना हो, साथ साथ में वेंटिलेशन आपको बना रहे। अगर इसमें देखते हैं तो वुडन का काम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ही अच्छा काम मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है वुडन का। नीचे की तरफ भी पूरा यहाँ पे वुडन का काम किया गया है, साथ साथ में मार्बल का यहाँ पे स्लेब लगाया गया है। एल शेप के अंदर किचन यहाँ पे डेवलप किया गया है। एक और चीज़ जो किचन की जो मैं यहाँ पे दिखाने जा वाला हूँ कैमरा मैन, एक बार ये हाईलाइट कीजिए, यहाँ पे आपको ग्लास लगा के यहाँ पे आपको दे दिया गया है, जो कि आप अगर आप अंदर की तरफ कोई काम करते हैं तो बाहर की तरफ से विजिबल आप नहीं रहेंगे। फिर अपन डाइनिंग ड्राइंग एरिया से जुड़ी हुई चीज़ इधर की तरफ देखते हैं, यहाँ पे आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाता है। इधर कैमरा मैन जी एक बार दिखाइए अंदर की तरफ से, टाइल्स वगैरह का काम भी दिखाइए, कितना प्यारा खूबसूरत काम यहाँ पे किया गया है। इंडियन टॉयलेट यहाँ पे लगाया गया है, साथ साथ में वेंटिलेशन के लिए ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे विंडो भी देखने को मिल जाती है, जो कि प्रॉपर यहाँ पे वेंटिलेशन हो, सफोकेशन बिल्कुल भी ना हो। फिर अपन देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे डुप्लेक्स अपन देख रहे हैं, 3 बेडरूम का डुप्लेक्स देख रहे हैं। सबसे पहले अपन नीचे जो बना हुआ रूम देखेंगे, फिर ऊपर चल के 2 रूम और देखने वाले हैं। तो आइए कैमरा मैन जी एक बार अपन रूम यहाँ पे देख लें। रूम की अगर साइज़ की बात करें तो लगभग रूम की साइज़ यहाँ पे 12x12 के आसपास की रूम की साइज़ है, बहुत अच्छा सफिशिएंट स्पेस यहाँ पे दिया गया रूम की साइज़ में। इधर की तरफ देखें तो यहाँ पे बहुत ही डिसेंट वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इस रूम की बहुत खूबसूरती यहाँ पे आपको बढ़ाने के लिए देखने को मिल रहा होगा। साथ साथ में ऊपर की तरफ एक बार फॉल सीलिंग का काम दिखा दीजिए, बहुत ही प्यारा फॉल सीलिंग का काम यहाँ पे किया गया, बहुत अच्छा फॉल सीलिंग का लुक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ यूटिलिटी के लिए जगह मिल जाती है। एक बार कैमरामैन जी दिखा दीजिए, यहाँ पे सब जो है सनलाइट वगैरह हो, साथ साथ में यहाँ पे रूम के अंदर वेंटिलेशन बना रहे, उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर यहाँ पे जगह बना के दी गई है। तो जैसे कि अपन ने देखा यहाँ पे नीचे, अपन ने देखा एक बेडरूम देखा, डाइनिंग ड्राइंग एरिया देखा अपन ने, किचन देखा, साथ साथ में कॉमन वॉशरूम देखा, और नीचे पार्किंग का एरिया भी अपन यहाँ पे देख चुके हैं। तो एक बार अपन ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो जो स्टेयर्स में या मार्बल का काम किया गया, साथ साथ यहाँ पे जो है रेलिंग लगाई गई है, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग आपको देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ एक बार दिखाते हुए लेके आइए कैमरामैन जी, बहुत ही अच्छा जो है इसका अगर देखें अपन ऊंचाई की बात करें तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे साइज़ आपको देखने को मिल जाती है। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिविंग एरिया के लिए एक जगह मिल जाती है, बहुत अच्छी खूबसूरत जगह यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें आप सोफ़ा वगैरह लगा के यहाँ पे आपको इसको वेल मेंटेन यहाँ पे कर सकते हैं। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा वॉलपेपर का काम देखने को मिल जाता है, डिजाइन है, मैंने बताया था डिसेंट वॉलपेपर का काम यहाँ पे किया गया है। साथ साथ में अगर देखते हैं ऊपर की तरफ एक बार दिखाइए, फॉल सीलिंग का काम भी बहुत खूबसूरत यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फिर इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ से आपको ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी डिजाइनर तरीके से यहाँ पे बनाई गई है। फिर अपन सामने जो बना हुआ है वो रूम देख लेते हैं। आइए कैमरामैन जी, रूम की अगर साइज की बात करें
तो लगभग 16x9 के आसपास ये रूम बना हुआ, बहुत ही अच्छा स्पेसियस रूम आपको देखने को मिल जाता है। इधर की तरफ देखते हैं तो वॉलपेपर का काम, बहुत अच्छा वॉलपेपर का काम आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ में इधर देखते हैं तो यहाँ पे आपको कबर्ड्स का काम देखने को मिल जाता है, जो नीचे और ऊपर दोनों तरफ किया गया है। वुडन का काम इसमें यहाँ पे किया गया है। फिर इधर देखते हैं तो यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो देखने को मिल जाती है। एक बार फॉल सीलिंग का काम भी एक बार दिखा दीजिए, बहुत अच्छा फॉल सीलिंग का काम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फैन वगैरह के डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। फिर इधर की तरफ देखते हैं, आइए कैमरामैन जी, यहाँ पे आपको बालकनी का एक एरिया देखने को मिल जाता है। बहुत अच्छा स्पेस बालकनी का आपको देखने को मिल जाता है, प्रॉपर स्पेस यहाँ पे दिया गया। साथ साथ में यहाँ पे वॉशेबल के लिए यहाँ पे पॉइंट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर देखें बालकनी में तो टाइल्स वगैरह यहाँ पे लगाई गई है, बहुत अच्छी टाइल्स का काम किया गया। साथ साथ में ऊपर की तरफ वुडन थीम का यहाँ पे काम आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि अपन ने देखा, अभी रूम देखा अपन ने ऊपर की तरफ, सामने वाला जो रूम देखा है, अभी एक बार पीछे वाला रूम भी अपन देख लेते हैं। साथ साथ में यहाँ पे जो लिविंग एरिया के पास में जो अटैच जो चीज़ है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे इटालियन वॉशरूम आपको देखने को मिल जाता है। टाइल्स वगैरह का काम भी एक बार दिखा दीजिए, बहुत अच्छा टाइल्स वगैरह का काम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत काम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ में वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो भी आपको देखने को मिल जाती है। फिर देखते हैं इधर की तरफ एक रूम का यहाँ पे लुक देख लेते हैं। रूम की साइज वही लगभग जो नीचे साइज थी वही आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। साथ साथ में इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा वॉलपेपर का काम देखने को मिल जाता है, बहुत डिसेंट वॉलपेपर का काम यहाँ पे किया गया है। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग का काम भी एक बार दिखा दीजिए। फिर इधर की तरफ हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको यूटिलिटी की एक जगह में बच जाती है, जो बिल्कुल आपको बहुत अच्छा यहाँ पे वेंटिलेशन और लाइटिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ भी एक बार दिखा दीजिए, यहाँ पे आपको सनलाइट वगैरह और वेंटिलेशन वगैरह के लिए बहुत अच्छी जगह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड, जैसा कि अपन ने यहाँ पे देखा, 3 बेडरूम के यहाँ पे डुप्लेक्स का अपन ने टूर किया। इसकी प्राइस की अपन बात करेंगे, इससे पहले एक बार मैं यहाँ पे जो है बसावट के बारे में भी एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो कैमरामैन जी, एक बार मैं यहाँ पे बसावट जो बसी हुई चारों तरफ की, साथ साथ में सामने की जो फ्रंट जो रोड है उसके बारे में भी एक बार दिखा देते हैं। तो इधर की तरफ अपन देखते हैं तो यहाँ पे बसावट एक बार दिखाइए कैमरामैन जी, कितनी अच्छी बसावट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इधर की तरफ दिखाइए, सामने की तरफ जो है पार्क आपको देखने को मिल जाता है बिल्कुल सामने। सामने रोड एक बार दिखा दीजिए, कितना अच्छा स्पेसियस यहाँ पे रोड आपको देखने को मिल जाती है। साथ साथ में इधर की तरफ एक बार बसावट भी दिखा दीजिए, बहुत अच्छा यहाँ पे बसावट वगैरह आपको देखने को मिलेगी। प्राइस की जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे 38 लेख इसकी प्राइस रखी गई है। 16x35 में बना हुआ है, टोटल 62 गज में यहाँ पे बना हुआ है। लोकेशन की अगर बात करें तो धावास के बिल्कुल पास में बना हुआ है। अगर अपन अजमेर रोड से बात करें तो लगभग 5 मिनट की दूरी पर अजमेर रोड से यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। रेलवे स्टेशन से बात करें तो लगभग 13 किलोमीटर के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा। 200 फुट बाईपास की अगर बात करें तो 3 से 4 किलोमीटर आपको ये देखने को मिलेगा। सब यहाँ पे सुख सुविधा है, अच्छी रोड है। बिल्कुल जस्ट पीछे की तरफ यहाँ पे आपको 100 फीट रोड देखने को मिल जाती है, जो सीधा गांधीपथ को आप कनेक्ट करती है। बाकी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, हमारे सलाहकार के नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ जाके आप कॉल कर सकते हैं। साथ साथ में अपॉइंटमेंट भी आप बुक कर सकते हैं विजिट के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।